औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत भटोली कला में सोमवार सुबह एलपीजी सिलेंडर में हुए ब्लास्ट से एक 7 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई और पिता और चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का ईएसआई अस्पताल में उपचार चल रहा है। सिलेंडर फटने से मकान के 2 कमरे पूरी तरह ढह गए। मलबे में दबने से 7 वर्षीय बच्ची चाहत की दर्दनाक मौत हो गई। घायलों को तुरंत ईएसआई अस्पताल काठा में भर्ती कराया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि रसोई गैस के रिसाव के कारण पूरे कमरे में गैस भर गई थी। विस्फोट के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। एएसपी बद्दी अशोक वर्मा, उन्होंने कहा कि संभवतः गैस के रिसाव के कारण एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट हो गया। दीवार का मलबा सो रही बच्ची के ऊपर गिरने से उसकी मौत हो गई, जबकि उसके पिता और चाचा घायल हो गए। घटनास्थल पर जांच के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट की एक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। आज प्रातः 9:45 में थाना बरोटीवाला में सूचना मिली थी कि एक भटोली कला में एक ब्लास्ट हुआ है, जिसपे पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जिसमें थाना प्रभारी भी वहां से पहुंचे। तो वहां पे पाया कि एक परिवार जो था किराए पे रह रहा था, उस कमरे में जो है कोई 5:30 बजे के करीब एलपीजी सिलेंडर से जो है गैस का ब्लास्ट हुआ, जिसमें 2 व्यक्ति इंजर्ड हुए और जिनको ईएसआई हॉस्पिटल ले जाया गया था, और एक बच्ची ही मतलब दुर्भाग्यवश उसकी जो है अंदर दीवार गिरने से उसकी मौत हो गई, जिसकी उम्र करीब 7 वर्ष थी। तो मैंने भी मौके पे जाके सारे घटनास्थल को देखा है। तो जो डेड बॉडी है उसको हमने नालागढ़ पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था और हमारी एफएसएल की टीम जो है स्पॉट को विजिट कर रही है और इसमें मामला दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। सर सुबह मैंने 5:30 बजे उठा, भाभी मेरी उठी, वो भी बाथरूम गई, उसके साथ में मैं उठ गए, वो भी दरवाजा खोल दिया, मैं भी खोल दिया, और दरवाजा खोल के ही चावल का पानी का दर दिया, चावल डालने के लिए चावल डालने लगी मैंने आटा साना, सर मेरा आटा वैसे ही साना रखा सर, तो चावल चुन रहे थे, मैंने देखा एकदम से भड़म भड़म लगने लगा, मैंने निकला बाहर, एक धुआंधार होने लगा, कुछ दिखा नहीं सामने धुआंधार की वजह से। तब मैंने देखा तो भैया मेरा चिल्लाना, दीदी बचा लो बचा लो, तो हम कहीं कहा हुआ, तो सिलेंडर की पाइप के पास में सिलेंडर जल रहा था पाइप, तो मैंने क्या किया अपने रूम से बोरा भिजवा के पानी से उस पाइप पे डाल दिया सर, वो तो बुझ गया। वो बुझ के बाद फिर मैंने भैया को निकाला, भैया बोला दीदी मेरी बिटिया नहीं है, तो हम बिटिया को देखा तो एक भैया मेरा दूसरा, वो बिटिया को उठा के लेके आया, उसके आधा सर नहीं, सर पीछे का सर सब टूट गया। तब मैंने देखा सब उसी डाल दिया, सब उठा के इससे सबको लेके बाहर निकला है। कमरा देखा, वो जो दूसरा कमरा था उसकी दीवार बाहर इसमें हेयर बन गई थी, इतना धुआं धाड़ के मारे दिख नहीं सर रहा था, कोई चीज नहीं दिखा। साल की बच्ची वो साहब 5 साल की है सर, 5 साल की है बच्ची, 2 बच्ची थी, भैया एक, 2 भैया थे, भाभी थी, 2 बच्चे थे, सारे उसी रूम में थे, तो हमारा रूम सामने है उसके रूम के भैया के। तो मदद सर, गरीब आदमी हम लोग इधर पड़े हैं, 4 साल हो गए, छोटे छोटे बच्चे, आप लोग जो सोचोगे वो होगा, आप लोगों के हाथ में, हम लोग गरीब आदमी है। भाई आपके दोनों भाई कहाँ हैं? भाई दोनों ही वो एसआई में पड़े थे सर अभी। हाँ सुबह वो जब भैया एक तो बहुत जला है, एक हल्का फुल्का जला है, जो जिसकी लड़की डेट हुई वो तो बहुत जला है सर, बच्चे और सारा जला है, चेहरा पीठी हाथ पैर सब भी जला है उसका। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बद्दी से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।